कि जो व्यक्ति कल मर चुका था आज वो दोबारा से जिंदा हो गया है। तो ये एक कैंसर अवेयरनेस का प्रोग्राम था और जिसकी अवेयरनेस के तहत आपको ये पीआर एक्टिविटी करनी पड़ी। तो मैं जानना चाहती हूँ कि किस किस्म की पीआर एक्टिविटी है। आपके पीआर ने आपको समझाया नहीं कि ये नहीं करना चाहिए? पूरी एंटायर मीडिया कल डिस्टर्ब थी। मैं दुबई में हूँ इस समय और मुझे ये खबर जब मिली तो मेरा ना और मैं ये सबके बिहाफ पे ये बात बोल रही हूँ कि हमारे साथ ये क्या हुआ होगा कि अवेयरनेस तो आप अलग फैला रहे हो कि कैंसर की अवेयरनेस के लिए मैंने ये किया, लेकिन कितने करोड़ों लोगों की मेंटल हेल्थ के साथ आप खेले हो। कल पूरा दिन मेरा ऐसा रहा कि एक लड़की यार 32 साल की थी, वो चली गई, वो नहीं रही। आपने सुबह से लेकर रात तक मेरे साथ यही रहा, रात को मेरे को सपने में भी यही आ रहा था और आज जाके मालूम पड़ता है कि ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम था। तो अवेयरनेस के लिए आप और क्या क्या करने वाली हैं मैं जानना चाहती हूँ। ये किस किस्म की पीआर एक्टिविटी है और ये कितनी शेमफुल एक्टिविटी है ये आप सोच भी नहीं सकते। अब आप जब रियल में ऐसा कुछ हो जाएगा ना आपके साथ तो एक कुत्ता नहीं भौंकने वाला। कल एंटायर मीडिया लगी रही है, कल पूरी मीडिया के, और मैं मीडिया होती तो इंसान ही है ना, उनको भी तो जहाँ तक वो पहुँच पाएंगे वो पहुँचेंगे। जितना क्वेश्चन वो कर सके उन्होंने करा और उन्होंने मुझे बोला कि संभावना एक ना अवेयरनेस कुछ आ रही है, ऐसा कैंसर अवेयरनेस कुछ ऐसा तो नहीं है। मैंने कहा नहीं यार, किसी की मौत ड्रामा नहीं हो सकती, कुछ भी कर सकता है कोई, लेकिन मौत का ड्रामा कोई नहीं कर सकता। मैं नहीं मान रही थी उनकी बात, एंड आई एम सो सॉरी। मैं उन मीडिया के लोगों को सॉरी बोलना चाहती हूँ जिनके सामने लिटरली मेरी, मैं ना रो रही थी उस समय, मैं वॉज टॉकिंग, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे कि एक यंग लड़की चली गई। तो आप लोगों ने और आपकी पूरी टीम ने ये जो पीआर एक्टिविटी करी है अवेयरनेस फैलाने के लिए, आपने एक बार ये नहीं सोचा कि आप लोगों की मेंटल हेल्थ के साथ खेल रहे हो। लोग किस सिचुएशन से बाहर निकले अभी कोविड से, आई हैव लॉस्ट माय फादर, उनकी